दोस्तों आंध्र प्रदेश उन गिनी चुनी टॉप स्टेट्स में इनका नाम आता है जो कि इलेक्ट्रिकल व्हीकल की प्रमोशन को लेकर या रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि सोलर एनर्जी और वाइन एनर्जी की प्रमोशन को लेकर इसको अडॉप्ट करने में सबसे आगे ये स्टेट्स रही है। बट यहाँ कुछ नया देखने को मिल रहा है, जब से ये नई गवर्नमेंट चेंज हुई है आंध्र प्रदेश में, तब से एवी पॉलिसी को लेकर या रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर जो भी सिस्टम था, नए टेंडर्स थे या जो पुराने टेंडर्स थे, उन सबको होल्ड कर दिया गया है। तो ऐसे मेरे पास तीन अपडेट है जिनको होल्ड कर दिया गया, जो कि इम्पोर्टेंट थे सभी, और इसकी वजह से क्या इफेक्ट पड़ने वाला वो बात करेंगे। और सबसे पहले बात करेंगे रीजन, ऐसे क्या रीजन है कि इन सभी चीजों को होल्ड किया गया है जो जरूरी है आज की डेट में, नीड ऑफ टाइम है ये सब, क्योंकि इससे हमारी हेल्थ, हमारी नई जनरेशन की हेल्थ इससे जुड़ी है इन सब चीजों से। तो क्या रीजन है कि इन सबको होल्ड कर दिया गया आंध्र प्रदेश जैसी स्टेट ने, जो कि इसमें कभी सबसे आगे ये स्टेट चल रही थी। तो बिल्कुल दोस्तों, आप देख रहे हो सिंह ऑटो जोन का नया एपिसोड। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, धन्यवाद आपका। मेरे पास ऐसे तीन न्यूज है जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट से जुड़े हैं, उन सब पर बात करेंगे। स्टार्ट करते हैं, पहला न्यूज है जो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट ने, जो नई बिल्कुल अभी नई गवर्नमेंट आई है, उन्होंने जो पुरानी एग्जिस्टिंग जो प्रोजेक्ट्स है रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि सोलर एनर्जी और वाइंड एनर्जी, उन कंपनियों को रिनेगोशिएट करने के लिए कहा है, दोबारा से बार्गेन की जाएगी जो टैरिफ फिक्स हुआ था उनके साथ पुरानी सरकार ने किया था। तो इसके लिए गवर्नमेंट का कहना कि जो ये टैरिफ फाइनल किए गए थे ये बहुत ज्यादा इनका प्राइस है, ये हायर साइड थे, इनको कम करने की बात कर रही है। लेकिन वो कंपनी जो ऑलरेडी इतना इन्वेस्ट कर चुकी है, अब आप इस स्टेज पर आकर उनको रीनेगोशिएट करने के लिए कहोगे तो बिल्कुल वो नहीं मानेंगी, उल्टा उन्होंने कोर्ट जाने की धमकी दी। और आई थिंक ये प्रोसेस स्टार्ट भी हो चुका, कोर्ट के थ्रू सारा आगे किया जाएगा। बट ये एक नेगेटिव एक इशारा जाता है आने वाली कंपनी जो इंटरेस्टेड थी स्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए, वो बिल्कुल उन्होंने भी अगर ये सब देखने के बाद उन्होंने भी अपना जो प्रपोजल था, उनकी प्लानिंग थी, उसको होल्ड कर दिया होगा। तो ओवरऑल नुकसान यहां गवर्नमेंट का ही होने वाला है। नंबर टू न्यूज है जो नए सीएम बने हैं वाईएस जगन मोहन रेड्डी, हो सकता है मैं यहां किसी का नेगेटिव नहीं कर रहा हूं, हो सकता हूं वो अपनी जगह सही हो, लेकिन जो न्यूज से जुड़ी है, मेरा काम है, मैं आपको न्यूज अपडेट देता रहूंगा, उसके पीछे की बात अक्सर हो सकता है कि मुझे भी ना मालूम हो, कई बार वो ठीक भी हो सकते हैं अपनी जगह। जो सेकंड न्यूज है, जो सीएम है वाईएस जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने एक टेंडर कैंसिल किया था जो सितंबर में हुआ था, 350 इलेक्ट्रिकल बसेस को फ्लीट में शामिल करना था जो आंध्र प्रदेश स्टेट रोड कॉरपोरेशन है, लेकिन उसको भी कैंसिल कर दिया गया इस टेंडर को। रीजन वही के हायर साइड है इसकी कॉस्ट, इनको एक जो ये सारी जो इलेक्ट्रिकल बसेस थी एसी इलेक्ट्रिकल बसेस को ग्रॉस कॉस्ट कॉन्ट्रैक्ट बेसिस अंडर फेम 2 12 साल के कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से इसको चलाया जाना था, इस टेंडर को कैंसिल कर दिया गया है। रीजन वही के कॉस्ट बहुत ज्यादा है, हर बस की कॉस्ट ज्यादा पड़ती है, बेशक 50% तो स्टेट ने दी थी, बट स्टिल इनको इन बाकी 350 बसेस की कॉस्ट या जो उस पर चार्जिंग इंफ्रा पर जो डेवलपमेंट पर जो खर्चा था, जो कि करोड़ों में है, इनका कहना है कि जो स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन है उनकी हालत अभी ऐसी नहीं है कि वो इतना पैसा इन्वेस्ट कर सके, इसलिए फिलहाल इसको होल्ड कर दिया गया है। ये दोस्तों एक अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। नंबर थ्री, आप सबको याद होगा कि लास्ट वीक एसएल ने जो 10,000 इलेक्ट्रिकल कार्स का ऑर्डर दिया था टाटा टिगोर और ई वेरिटो को, उसको कैंसिल कर दिया गया है, सिर्फ 3,000 अप टू मार्च 2020 ओनली 3,000 यूनिट्स ही खरीदे जाएंगे। उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन जो बताया, दो रीजन थे, एक तो ये था कि इनकी रेंज कम है, परफॉर्मेंस कम थी, ये तो एक रीजन था ही। अब नए मॉडल जो मार्केट में आए हैं उनके लिए दोबारा से टेंडर खोला जाएगा। सेकेंड बड़ा रीजन था कि आंध्र प्रदेश ने 10,000 इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का इंटरेस्ट दिखाया था, कि कमिटमेंट की थी कि हम एसएल के थ्रू अपनी गवर्नमेंट जो फ्लीट है उसको चेंज करेंगे, बट अब उन्होंने भी उस पर कट लगा दिया है, मना कर दिया गया कि भाई जो गवर्नमेंट पिछली गवर्नमेंट की जो कमिटमेंट थी हम उसको पूरा नहीं कर सकते, हमारी अपनी प्रायोरिटीज, हम उस हिसाब से चलेंगे। तो उस वजह से भी इस टेंडर को कैंसिल कर दिया गया, यह एक बड़ा रीजन था एसएल ने जो टेंडर कैंसिल किया था। तो दोस्तों ये जो भी न्यूज आ रही है अच्छी नहीं है, क्योंकि सीधी सी इन तीनों न्यूज का जो संबंध है हमारी आने वाली जनरेशन की सेहत से है, इन्वायरमेंट से है, नेचर से है। तो कुछ भी रीजन हो, इन चीजों को बिल्कुल ऐसे नहीं रोकना चाहिए, कुछ ना कुछ जरूरी है, अदरवाइज मैं बार बार कहता हूं कि सभी सफर करेंगे और बहुत बुरी तरह सफर करेंगे। आज के लिए इतना ही, आप क्या कहते हो, आपका क्या कमेंट है कि सरकार ने सही किया, या क्या आपको क्या लगता है कि कोई और रीजन हो सकते हैं, बिल्कुल कमेंट कीजिए। कई बार हमारी नॉलेज में पूरी बात नहीं आ पाती, तो आपके कमेंट से मुझे आइडिया होता रहता है। धन्यवाद आपका वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद।